कर सको। मैं इधर देखना अंकल जी, बीच में इधर देखना। इसी क्रम में श्री विष्णु शर्मा जी जो कि गौ सेवक हैं गौरी गणपति धर्मार्थ ट्रस्ट में, आपको मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ आए, हम कृतार्थ होंगे। हम लगातार गौ माता की सेवा में लगे थे, आपका बहुत बहुत सम्मान अभिनंदन। इसी क्रम में श्री दीपक प्रजापति गौ सेवक माँ गंगा समाज सेवा समिति हरिद्वार, और आप पूरी सेवा उनकी करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्री पवन भगवा जी देश प्रेमी गौ गंगा जागृति संस्था हरिद्वार के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत आत्मा का संबंध था। यही गंगा के तट पर गुरुकुल कांगड़ी में पधारे थे और स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली बार उनको महात्मा कह करके संबोधित किया था, और वो महात्मा संबोधन ऐसा हुआ कि सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इससे बड़ा और सम्मान, इससे बड़ी और कोई मधुर स्मृति हो नहीं सकती। आज महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के जो दो उनके अमोघ शस्त्र थे जिनके द्वारा उन्होंने एक नया इतिहास बनाया, उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। हिंसा का जो तांडव नृत्य पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन ही हमारे सामने आदर्श है, और कोई दूसरा आदर्श हो नहीं सकता। से आज गांधी जी का जो है तो क्या जो है संदेश गांधी जी का है जो लोगों में जाता है, और किस तरीके से आज भी वो जो है रेलिवेंट है? गांधी जी का संदेश सत्य अहिंसा, और ये दो प्रमुख उनकी धाराएं थी, और ये दोनों आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हैं जो उस समय थी। अगर आप देखें पूरे विश्व में हिंसा का एक माहौल है, अलग अलग विश्व के प्रदेशों में क्षेत्रों में सिविल वॉर भी चल रही है, तो ये संदेश और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आप देखें उनका कहना था अगर आँख से आँख दिखाओगे तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, जो कि आज हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में। हमने 20 साल बाद हम फिर उसी स्थिति में आ गए हैं। तो अगर हम हिंसा का समाधान हिंसा से करना चाहेंगे वो कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान हमें संवाद से करना पड़ेगा, उसके बिना कोई और चारा नहीं है। तो यही संदेश है। मैं कुलभूषण बत्रा, जीएम इंजीनियरिंग, बीएचएल हरिद्वार। धन्यवाद। जयंती के अवसर पे गांधी पार्क में हमने एक भव्य स्वागत किया है। इसमें गांधी जी के आदर्शों पे हमें संकल्प लेना होगा कि गांधी जी के जो आदर्श थे वो सब बच्चों को हमने बताया कि गांधी जी के आदर्शों को अपनाएं, और देश में पूरे वर्ल्ड में जो ये अहिंसा का वो चल रहा है इसमें गांधी जी का जो वो था ये अहिंसा परमो धर्मा, तो सेवा परमो धर्मा, तो उस पर हमें काम करना है। आज पूरे देश में क्या दुनिया में तराई तराई मची हुई है, तो गांधी जी के आदर्शों का हमें पालन करना है। गांधी जी के यही सच्ची हमारी उनकी प्रति भाव हैं, और ये भाव हमारे बने रहें, इसलिए आज सब बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया है। आज इसके साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका जय जवान जय किसान नारा आज भी हम कह के गर्व फील करते हैं, उनके आदर्शों को भी हमने अपनाना है, यही उनकी सच्ची यादगार है। जय हिंद जय भारत।